मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर यानी YouTube पे जब मैं खाना बनाता हूँ तो जब मैं शेफगिरी वाली रेसिपीज बनाता हूँ ना रणवीर द प्रोफेशनल शेफ़ बन के, तो मुझे भी मज़ा नहीं आता और कहीं ना कहीं आपको भी मज़ा नहीं आता। लेकिन जब मैं वो रेसिपीज़ बनाता हूँ जो मेरे घर पे बनती हैं या मैं घर पे बनाता हूँ, देन एवरीबडी हैज़ फन इंक्लूडिंग मी। तो आज ऐसी एक रेसिपी जो हमारे घर पे बनती है, होटल में मैंने कभी नहीं बनाई, रेस्टोरेंट्स में कभी नहीं बनाई, आज भी रेस्टोरेंट्स में नहीं बनती लेकिन हर एक के घर में ज़रूर बनती है, लौकी कोफ्ता करी। ठीक है जी, बड़ी सिंपल है। कॉलिंग एंड एक्शन। अगर लौकी के बारे में पढ़ो ना तो लौकी की इज्जत जो है वो अपने आप अपनी आंखों में बढ़ जाती है, और वो इसलिए क्योंकि लौकी वो प्लांट था जिसे हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया, यानी कि हमारा सबसे पहला दोस्त पौधा जो है वो लौकी था। और ये तो कंफर्म है कि लौकी की हमारे साथ किस्मत लगभग 10,000 साल से जुड़ी हुई, 10,000 ईयर्स ओल्ड रिलेशनशिप बिटवीन बॉटल गोर्ड एंड अस स्टार्टेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में जहाँ पे कहा जाता है कि लौकी, मुझे पता है सब लोग दुखी हो रहे हैं कि लौकी भी हिंदुस्तानी नहीं है, लौकी तो बहुत क्लियरली अफ्रीकन है। बहुत सारे मेलन्स और गोर्ड्स के ओरिजिन्स अफ्रीका में मतलब बहुत सारी खरबूज फैमिली और लौकी तुरई पम्पकिन फैमिली के ओरिजिन्स जो हैं वो अफ्रीका में ही हैं, और वहाँ से चल के पूरे हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान में बहुत समय पहले आई। ये कहा जाता है कि कम से कम नहीं तो 3,000 साल पहले हिंदुस्तान में लौकी आई और हमने लौकी को अच्छे से अपना लिया। हमारे यहाँ से लौकी चाइना गई, नीचे फिलीपींस गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लौकी लगती तो अपनी सी है लेकिन अपनी नहीं है। तो लौकी कोफ्ता करी बनाने के लिए हमको चाहिए लौकी, और इस लौकी को बड़ी ही इज्जत से तमीज से हम छीलेंगे। छीलने के बाद इसे कद्दूकस करेंगे और उसके बाद कोफ्ते की तैयारी करेंगे। इस रेसिपी के दो पार्ट्स हैं, एक कोफ्ता और एक करी। तो पहले कोफ्ते की तैयारी करते हैं, ठीक है ना जी। ये सुबह सुबह की रेसिपी है ना, तो इसके लिए मैं अभी फॉर्म में आ ही रहा हूँ धीरे 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 धीरे। लौकी जितनी टेंडर, जितनी बचकानी, जितनी बेबी लेंगे उतना अच्छा है। वो क्या ना कि छोटी सब्जियों में टेस्ट होता है। ये जो घिया है इसे करना है कद्दूकश, ग्रेट, और ग्रेट ऐसे करना है कि अच्छे अच्छे लंबे लंबे लच्छे निकलें। ये घिया लौकी एक ही बात है जी, मैं भी थोड़ा सा बॉम्बे आके ना थोड़ा घिया टाइप्स हो गया हूँ। आहा क्या नरम है, ये देखिए बेबी है ना। अच्छा, नमक डालने के दो फायदे हैं, एक तो ये पानी छोड़ेगा जो बहुत जरूरी है, और दूसरा इसका रंग काला नहीं होगा जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, इस स्टेज पे सॉल्ट जरूर डाल दें। अभी इसको 10 मिनट कम से कम नमक लगा के छोड़ना है, क्या है ना जितना जूस निकल जाए वो अच्छा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लौकी है उसका टेक्स्चर चाहिए, उसके रेशे चाहिए और उसकी मिठास चाहिए, और वो नमक जब लगा के छोड़ेंगे तो मिठास और उसके रेशे दोनों रह जाएंगे। दैट्स वाई वी डूइंग दिस। ग्रेवी, और ग्रेवी जो है वो मैं बीजी वाली बनाऊंगा, हमारी दादी जैसे बनाती थी वैसे बनाऊंगा, ठीक है ना जी। सब कुछ जो है ना वो मोटा मोटा कटा हुआ एकदम होम स्टाइल, मोटी मोटी अदरक, मोटा मोटा लहसुन और मोटा मोटा प्याज जी, ठीक है ना। तो जी ये है ग्रेवी का मीज़ा, हरी मिर्च लहसुन अदरक और प्याज, टिपिकल पंजाबी ग्रेवी का मीज़ा। चलो जी, ये देखिए क्या खूबसूरत रंग है, और ये खूबसूरत रंग क्यों है, क्योंकि हमने बिल्कुल सही समय पर नमक डाल दिया। इसका जितना पानी निकाल लिया ना उतने सूखी रहेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में वही पानी जो है कोफ्ते में जाके कोफ्ते को खराब करेगा। इसके लिए थोड़ी मुशक्कत है पर इट्स वर्थ इट। हाँ,
हो गई जी मेहनत, आज की कसरत तो हो गई रणवीर ब्रार, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, नमक डालने से ना जो घीए का एक्स्ट्रा पानी निकल गया और घीए का जो रेशा है वो मजबूत हो गया, है ना। अभी लौकी में डाली हींग, हल्दी, हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। नमक नहीं डालना जी, है कि नहीं, नमक ऑलरेडी है, आपने ऊपर से नमक डाल दिया तो घीए के कोफ्ते बनने के बजाय नमक के कोफ्ते बन जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है ना। रणवीर ने बताया था लौकी में बहुत नमक है, नमक नहीं डालना। चॉप धनिया। अच्छा अब एक छोटी सी ट्रिक जो हमारी बीजी करती थी वो ये कि दूधी में ना थोड़ी सी सोख करी हुई चना दाल डाल देती थी। अब चना तो है नहीं मेरे पास, मूंग है, तो थोड़ी सी सोख करी हुई मूंग डाल रहा हूँ मैं लौकी के अंदर, बिल्कुल थोड़ी सी, ताकि खाने वाले को समझ में भी ना आए कि इसमें पड़ी हुई है, और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आए। क्या ना वो दो कारण है, एक तो टेक्सचर मिलता है, दाल की बाइट मिलती है, दूसरा न्यूट्रिशन मिलता है, दाल का प्रोटीन मिलता है। थोड़ी सी सोख दाल डाल दें, अगर सोख दाल नहीं है तो भुना हुआ चना होता है ना उसको मोटा मोटा क्रश करके डाल दें थोड़ा सा। कोफ्ते जो है ना वो डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, थोड़ा दही, अपनी एक लौकी थी ना तो उसके अंदर मैंने 3-1 चम्मच डाला है, हो सकता है 1 चम्मच और डालना पड़े, लेकिन यहाँ से शुरुआत करते हैं। दही अगेन पानी वानी डालने की बजाय मैं ये प्रेफर करता हूँ दही डालूँ, बिकॉज दही की नेचुरल खटास होती है, दही में रिचनेस होती है, वो हेल्प करती है। आमतौर पर जो है ये कोफ्ते डीप फ्राई होते हैं, लेकिन साढ़े बीजी थे असी इनू शैलो फ्राई करांगे, हमारी दादी और हम इसे शैलो फ्राई ही करेंगे। हल्का सा बेसन लिया और उसको फोल्ड किया, फोल्ड भर करना है, ठीक है, नहीं पकौड़े नहीं बनाने। खाने का सोडा थोड़ा सा और तेल, ये देखिए घिया जो है वो पक गया है, बेसन ने अपनी जगह बना ली है, और एज यू कैन सी 90% घिया है। अगर पनीर आलू उल्लू डाल दो ना तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है उसकी। अभी इसे लग रहा है ना कि भाई घिये का ही कोफ्ता है, पनीर या आलू का कोफ्ता नहीं है। दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ब्यूटिफुल, अपनी तेरी पूरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओह जीरा के मैं भूल गया रणवीर, जीरा नहीं भूल दे बीजी दी रेसिपी, जीरा नहीं भूल दे। हलो जी आ पाता जीरा, घी और जीरा जो था ना वो बीजी का फाउंडेशन था जब खाना बनाते थे ना। कितने चली गई सुरजीत करे, ज़्यादा ब्राउन ब्राउन नहीं करना उसको, एकदम पंजाबी स्टाइल खड़ा खड़ा रखना है, ठीक है जी। कोफ्ता जो शब्द है ये आता है कैफ्तेद से, और कैफ्तेद या कोफ्ते ये सारे मिडल ईस्टर्न कॉन्सेप्ट थे, जब बहुत सारा गोश्त ऐसे मोटा मोटा काट के और उसके डंपलिंग बना के फ्राई कर दिया जाता था या पका लिया जाता था, और उसके बाद यहाँ कच्चा भी रखा जाता था और कच्चा भी खाया जाता था, यानी गोश्त के डंपलिंग बना के पका के कच्चे पिकल्स के साथ जो खाए जाते थे उनको कैफ्तेद कहते थे, और हिंदुस्तान में वो गोश्त के जो जो डम्पलिंग्स थे वो कोफ्ते बन गए, और हमने कहा जब ये गोश्त से बन सकते हैं तो भाई ये वेजिटेरियन चीज़ों से भी बन सकते हैं, हिंदुस्तान आके वो वेजिटेरियन बन गए। और ये जो घीए का कोफ्ता है, दूधी का कोफ्ता, दैट फॉर मी
is the epitome of what India can do to a non-vegetarian concept and make it its own. मेरी जो लाल मिर्च है वो रंग वाली होती है जी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ. इसके लिए आप लाल मिर्च स्वाद अनुसार डालिए. अगर आप मेरी क्वांटिटी देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. बनाने जाएंगे लौकी के कोफ्ते, बन जाएंगे लाल मिर्च के कोफ्ते और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया. तो ना तो नमक के कोफ्ते बनाने हैं ना लाल मिर्च के कोफ्ते बनाने, ठीक है जी? बनाने लौकी के कोफ्ते. टमाटर को गलाना है. ये देखो अभी घी छोड़ रहा है ना टमाटर. ब्यूटिफुल. साइड में ना थोड़ा दही लिया मैंने. दही में थोड़ी लाल मिर्च, रंग वाली लाल मिर्च और धनिया पाउडर मिक्स करके ये डाल दिया. दीजिए थोड़ी काली मिर्च भी डालते थे तो आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं जी, है ना? अच्छा रणवीर बरार, तो नमक क्यों नहीं डाला अभी तक? ओहो, नमक तो डाला नहीं. नमक ना डालने का कारण ये है कि हमारे पास ऑलरेडी नमक है. वो घी का पानी अब इस ग्रेवी में जाएगा. मतलब उस टाइम के लोग क्या सोच रहे, देखो कि न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं होना चाहिए. अमेजिंग ना. देखिए जब भी लौकी का पानी निकालते हैं एक बार चख लीजिए. अगर पानी कड़वा है, कई बार लौकी जो हल्की सी कड़वी होती है, अगर पानी कड़वा है तो मत यूज़ कीजिए, लेकिन अगर पानी कड़वा नहीं है तो ये लीजिए. नमक का भी काम हो गया, पानी का भी काम हो गया, ग्रेवी भी रेडी हो गई. थोड़ी सी शक्कर डाल रहा हूँ मैं, हल्की सी शक्कर, ज़्यादा नहीं. क्या ना वो प्याज की मिठास को उभारने के लिए शक्कर बहुत ज़रूरी है. ये ग्रेवी इतनी पतली इसलिए है क्योंकि इतनी पतली ही होनी चाहिए, ठीक है ना जी? क्योंकि जब इसमें कोफ्ते जाएंगे तो वो ग्रेवी पिएंगे, तो अगर ग्रेवी पतली नहीं होगी तो कोफ्ते बेचारे प्यासे रह जाएंगे. इन द एंड इट ऑल कम्स टुगेदर. ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट द प्रोसेस. धनिया जी, क्योंकि जब तक धनिया की खुशबू ना आए तब तक पंजाबियों का खाना पूरा नहीं होता. एंड डन. देखिए ये लास्ट में मैंने शेफगिरी करी है, अदरवाइज आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस. शेफगिरी को दूर रख के बिल्कुल घर जैसा खाना, जैसा हमारे घर में वैसा बनाया है. और वो लास्ट की शेफगिरी आपके हाथ में. क्या है ना, खाने को महसूस करने के बहुत सारे जरिए हैं. खाने को देख के भी महसूस किया जाता है, लेकिन देखने वाली जो चीज़ है ना वो थोड़े समय तक रहती है. खाने को असल में महसूस करने का तरीका है उसका जायका और उसके साथ जुड़ी याद. तो अगर आपके खाने में जायका है और उसके साथ जुड़ी जो याद है वो पाक है, तो खाना वैसे लंबे टाइम तो चलेगा. प्रेजेंटेशन में इतना ऑब्सेस नहीं होते. डोंट गेट ऑब्सेस विद प्रेजेंटेशन, जस्ट मेक श्योर योर फूड हैज़ अ सोल. और हाँ, नहीं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, वो मौका और दस्तूर गलत हो गया ना. बीजी की रेसिपी है.